नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है आप उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके और आप हमारी सभी वीडियो को देख सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं मंगलागौरी के व्रत के बारे में, जो कि सावन मास में किया जाता है, क्योंकि नवविवाहित महिलाएं और महिलाएं जो है इसको सावन मास में करती है। जैसे ये सावन मास होता है तो सावन मास में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं तो हर मंगलवार को ये व्रत किया जाता है। तो जो पहला मंगलवार पड़ता है उस मंगलवार से इसको शुरू किया जाता है और इस मंगलवार से शुरू करके आखिरी मंगलवार तक ये व्रत किया जाता है। तो मंगलागौरी का व्रत जो है सावन मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार को करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से पति व संतान की लंबी आयु व सुखी जीवन होता है। तो करना क्या है, पहले आप मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि कर लें और एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछा लें। फिर मंगलागौरी माता की फोटो को रख लें लाल रंग के कपड़े में लपेट कर, क्योंकि लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखनी है। और आटे का दीवा बना लें, चौमुखी दिया जिसके चार मुख हों, और कपड़े से बनी हुई 16 तार की चार बत्तियां जलाएं और साइड में गणेश जी की मूर्ति चौकी पर एक तरफ रख लें और एक तरफ आप चावल व फूल भी रख लें, क्योंकि साथ ही साथ गणेश जी का पूजन भी किया जाता है। तो गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को आप जल, रोली, मूली, सुपारी, चंदन, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा आदि ये सब अर्पण करें। और फिर माता की प्रतिमा को आप जल, दूध, दही से स्नान कराएं, वस्त्र आदि पहना दें, फिर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल भी लगा दिए। देखिए माता के लिए जो है 16 तरह के श्रृंगार चढ़ते हैं। तो माता की जो प्रतिमा है 16 वस्तुओं से उनको सजाया जाता है। तो 16 प्रकार के ही फूल, 16 प्रकार के पत्ते, माला चढ़ाई में जाती हैं, फिर मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंगी, चूड़िया आदि चढ़ाएं और फिर माता पार्वती की कथा सुने। और जब अंतिम मंगलवार का दिन आ जाए तो अंतिम मंगलवार के दिन जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो उससे अगले दिन बुधवार वाले दिन आप प्रतिमा को जो है नदी में या नहर में विसर्जित कर दें, क्योंकि जब आपका व्रत पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो भी सब सामग्री है उसे आप नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि इनकी पूजा करने से महिलाएं और नवविवाहित महिलाओं का जो है जीवन सुखी रहता है। इसे करने से पति व संतान की भी आयु जो है लंबी हो जाती है। अब की बार ये जो व्रत है 7 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, मंगलागौरी जी का व्रत जो है तो 7 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, तो इसको करना ना भूलें। तो जैसे मैंने आपको बताया विधि आपको करने की, उसी विधि के अनुसार यदि आप ये व्रत करें तो बहुत ही सुख और सौभाग्य की सभी माता बहनों को प्राप्ति होगी। तो आज आप लोगों ने जाना माता मंगलागौरी के व्रत के बारे में। हमारी और वीडियो आप लोगों के लिए आगे बढ़ती रहेगी। हमारी वीडियो को आप लाइक जरूर करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इसको देख सकें। इसके अलावा जो मैंने मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको सभी जानकारियाँ विस्तार से दूंगा। धन्यवाद।